प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिन का पश्चिम बंगाल दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल हुगली जिले के आरब बाग में एक जनसभा को संबोधित किए थे और सभा के दौरान लगातार टीएमसी पार्टी पे हमला बोला था। उन्होंने कहा, संदेश खाली में जिस तरह से माताओं बहनों का वहां पे शोषण किया गया, माताओं बहनें पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, टीएमसी के नेता किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार लगा रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार के द्वारा टीएमसी पार्टी घिरी हुई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार टीएमसी पे हमला बोलते रहे। और वहीं कल देर शाम में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी और ममता बनर्जी करीबन एक घंटे प्रधानमंत्री से बातचीत की और मुलाकात की। तो वहीं आज नदिया जिले के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और प्रधानमंत्री ने यहां पे पहुंचकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसको लेकर लगातार यहां के जनताओं में उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ऐसे कई योजनाओं को लागू करना चाहती है, राज्य सरकार उसे लागू नहीं होने दे रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पे कमलपुर को खिलाना है। तो कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह भरने के लिए प्रधानमंत्री के देखने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की जनता कृष्णानगर पहुंची हुई थी। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, दृष्टिकोण, कृष्णानगर। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को और तेज करने जा रही है। पहले सीईसी की बैठक कुछ दिन पहले हुई थी और अब 6 मार्च को बीजेपी की सीईसी की दूसरी बैठक होगी जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भी इसी में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर ये बैठक शाम में होगी और 16 राज्यों में जो उम्मीदवारों की सूची थी उस पर पिछली बैठक में चर्चा हुई थी। बाकी बचे हुए राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा 6 मार्च को सीईसी की बैठक में होगी। तमाम राज्यों के कोर ग्रुप की बैठकों का दौर भी बीजेपी मुख्यालय में लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर पहली सीईसी खत्म होने के बाद पहली सूची का इंतजार अभी भी है, लेकिन इस बीच दूसरी सीईसी की बैठक की तारीख आ गई है जो कि 6 मार्च को बीजेपी मुख्यालय में होगी। लेकिन हाँ, जिन राज्यों में अभी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है जैसे महाराष्ट्र और बिहार, वहाँ सीटों की स्थिति क्लियर नहीं है, उन राज्यों के सीटों के नाम पे, उम्मीदवारों के नाम पे 6 मार्च को बैठक में चर्चा नहीं होगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जोर शोर से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है। महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही ये दावा कर रहे हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे में उनकी आपसी सहमति हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पिछले कई दिनों से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ महाविकास अघाड़ी के घटक दल की बातचीत शुरू है, लेकिन अभी भी ये बातचीत कोई सफल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को महाविकास अघाड़ी के दल 2 से 3 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर को ये कतई मंजूर नहीं हो रहा है। प्रकाश अंबेडकर का यह बयान तब आया जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर बैठक चल रही थी। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बहुत पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी थी और उन्हें लोगों का काफी भरपूर साथ मिल रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप वावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24, मुंबई। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग की है। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारा तय न होने पर इंडी गठबंधन में बिखराव हुआ, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने दबे लफ्जों में सीट बंटवारे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हाल में मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी निषाद पार्टी को केवल 1 सीट देना चाहती है और पार्टी ने 3 सीटों की मांग की है। भले ही निषाद पार्टी खुलकर कोई बात न कहे, लेकिन पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने दबे लफ्जों में कहा है कि जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ में निषादों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी को बड़े भाई की तरह यहां निषादों को दे देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक निषाद पार्टी ने 3 सीटों पर दावा किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक मैदान में कल पहली बार इंडिया गठबंधन की रैली होने जा रही है। रैली का नाम दिया गया है जन विश्वास महारैली। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस रैली में राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सारी तैयारी तेजी से चल रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 10 लाख लोगों की भीड़ जो है वह कल रैली में मौजूद रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।
मराठा आरक्षण आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लिए जो 10% आरक्षण दिया था, मराठा समाज ने उसको नामंजूर कर दिया है। बीड के गौराई में मराठा क्रांति मोर्चा की जो बैठक हुई है, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि मराठा समाज के लोग किसी भी राजनीतिक सभा में नहीं जाएंगे, ना ही किसी राजनेता के मंच पर जाएंगे। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका जयश्री पाटिल ने दायर की है। जयश्री पाटिल का आरोप है कि जिस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मराठा आरक्षण दिया गया है, उसके चेयरमैन की नियुक्ति ही अवैध है। इस बीच मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल भड़क गए हैं। मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि अगर SIT जांच होती है तो उनके पास भी बहुत सारे नेताओं की रिकॉर्डिंग है जो वायरल भी कर सकते हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, News24 मुंबई। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज टैग करते हुए एक्सपर्ट लिखा है कि वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं और अब क्रिकेट के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है और किसी भी वक्त उन 100 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है जो कि इस बार लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गौतम गंभीर की टिकट पूर्वी दिल्ली से कटना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जो सर्वे अलग अलग मोर्चे पर हुए हैं उसमें जनता की प्राथमिकता की बात की जाए, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने की बात की जाए, या फिर जो BJP ने घोषणा पत्र की थी उन कामों को संसदीय क्षेत्र में लागू करने की बात की जाए, हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है वो पूरी तरीके से अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभा पाए और ये एक अहम वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से गौतम गंभीर ने टिकट की लिस्ट आने से पहले ही ऐलान कर दिया कि वो ना सिर्फ अपनी संसदीय छोड़ना चाहते हैं यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, साथ ही वो राजनीतिक संन्यास भी लेना चाहते हैं और अब क्रिकेट के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, News24। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेके हरियाणा में राजनीति पूरी तरह से सरगर्म हो चुकी है और पूरी गरमाई भी हुई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी के चलते ही लोकसभा की सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए जा रहे हैं और वहीं पर विधानसभा की 90 सीटों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर एक सीट पर अपने कार्यालय खोलने की कवायद भी शुरू की जा रही है और इसी के चलते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अलग अलग लोकसभा हलकों से फीडबैक भी लिया और वहीं पर प्रदेश नेतृत्व की भी फीडबैक लेते हुए हर एक सीट के ऊपर अलग अलग पैनल बनाए जा रहे हैं। फिलहाल 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी विधायक का नाम नहीं है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, News24 चंडीगढ़। बारामती में नमो महारोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्रिमंडल में उनके तमाम सहयोगी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों चाचा भतीजे एक साथ एक मंच पर नजर आए। शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके तमाम सहयोगियों का बारामती में स्वागत किया, तो वहीं अजीत पवार ने कहा है कि बारामती को राज्य का सबसे विकसित तालुका बनाना है, इसके लिए उन्हें सभी नेताओं का साथ चाहिए। आपको बता दें कि बारामती में हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गर्म थी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, News24 मुंबई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गाजियाबाद के GST विभाग ने एक ऐसी चोरी पकड़ी है जिसको एक व्यापारी ने 19 करोड़ से अधिक का जो टैक्स है वो अपने खाते में क्रेडिट कर लिया था। इस क्रेडिट होते के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए GST विभाग को एक मैसेज गया जिस पर GST विभाग की टीम ने इस पर काम किया और काम करने के बाद में जब उसकी मैनुअल प्रोसेसिंग किया गया तो उसमें करीब 19 करोड़ और 66 लाख रुपए का जो टैक्स है वो व्यापारी के खाते में गया था। फिलहाल GST की टीम ने इस पूरे पैसे को वापस कर लिया है, वही व्यापारी को आगे के लिए नोटिस भी दे दिया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पूरे देश के लिए ठगी और दूसरे मामलों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं सरकार इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ऐसी चोरी रोकने के लिए भी कर रही है।
कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज 24, गाजियाबाद। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है, जो काफी सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बसपा पर अक्सर बीजेपी की सहयोगी होने का आरोप लगता है, लेकिन हाल फिलहाल के घटनाक्रम कुछ नए सियासी संकेत भी दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया, यही नहीं इंडिया गठबंधन से अलग मायावती ने अलग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रखा है। और अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलना नए सियासी संकेत दे रही है। यहां आपको ये भी बता दें कि मायावती के साथ साथ आकाश आनंद भी पूरे देश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मायावती पहले ही आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउल्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों को 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि निचली अदालत से उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैमरा में संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ लेटेस्ट हैंड ग्रेनेड। ये वो हैंड ग्रेनेड है जो पलक झपकते ही बनेगा दुश्मन का काल। क्या आप देखिए, ये है लेटेस्ट हैंड ग्रेनेड। जिस हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है आतंकियों का काम तमाम करने के लिए। और ये आप देखिए, आपने अक्सर जो ग्रेनेड देखे होंगे वो अलग तरह के देखे होंगे, लेकिन ये जवानों के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसे कैरी करना बेहद आसान है और इसकी खासियत यह है कि जब जवान जो है इसे दो कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफेंसिव डिफेंसिव। भारतीय सेना के बेड़े में तमाम हथियार, गोला बारूद और अन्य इक्विपमेंट शामिल हो चुका है। मकसद यही है कि दुश्मन का काम अब मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में, यानी पलक झपकते ही तमाम हो जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, जम्मू। अमेरिका में भारतीय छात्रों की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो शाम को इवनिंग वॉक ले रहे थे। ये जो छात्र थे ये कुचिपुड़ी डांसर थे, अमरनाथ घोष इनका नाम था और कलकत्ता के रहने वाले थे। कुचिपुड़ी डांसर अमरनाथ घोष की मंगलवार को अमेरिका के मिसूरी में सेंट लुइस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमरनाथ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहीं शिकागो के भारतीय दूतावास का कहना है कि वो लगातार एजेंसियों के संपर्क में है और अमरनाथ घोष की बॉडी को इंडिया भेजने का तैयारी कर रहे हैं और एजेंसियों से मिलकर हत्यारों को पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विनय सिंह, न्यूज 24। शराबबंदी के बावजूद गुजरात में शराब माफिया और उनके अड्डों को लेकर मिली 48,000 से ज्यादा शिकायतें, तो वहीं दूसरी तरफ 39,888 लोगों को गुजरात में शराब पीने की परमिट जारी की गई। 3 साल में हुई कुल 48,000 से भी ज्यादा शिकायतों के बाद शराब माफिया और उनके अवैध अड्डों को लेकर थाने में 1492 मामले दर्ज किए गए। हैरानी की बात यह है कि पूरे राज्य में 48,387 शिकायतों में से सिर्फ अहमदाबाद की 44,110 शिकायतें हैं। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इसी गुजरात में पिछले 3 सालों में शराब और ड्रग्स सहित 21,061 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए नशीले पदार्थों में हेरोइन, हसीस, ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, कोकेन सहित 21 तरह की ड्रग्स जब्त की गई है। नशीले पदार्थों को लेकर गुजरात के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। राजस्थान में एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा धौलपुर के राजा खेड़ा से रवाना हुई है। दरअसल राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही राजस्थान पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने बीच में ब्रेक ले लिया था। उसके बाद आज उनकी यात्रा ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई है और मध्य प्रदेश में जाकर मुरैना की ओर जाएगी। एक बार फिर से राहुल गांधी कुछ दिनों बाद राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करेंगे और वहाँ पर भी एक बड़ी जनसभा को रखा गया है। इस पूरी यात्रा के जरिए
कांग्रेस सीमावर्ती इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तमाम तरह की जानकारियां भी लोगों तक पहुंचाने की कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता कोशिश में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधवा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट सहित तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा के दौरान मौजूद हैं। और राजाखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी करीब 5 किलोमीटर पैदल चल के मध्य प्रदेश के बॉर्डर में गए। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। बंसीधर तम्बाकू कंपनी पर इनकम टैक्स के छापे को करीब 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। लगातार इनकम टैक्स को कई चौंकाने वाले दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, और जो कंपनी अपने टर्नओवर महज 15 से 20 करोड़ बताया करती थी, उस कंपनी के पास महज गाड़ियां ही 100 करोड़ से ज़्यादा की मिली हैं, जो कानपुर और इसके अलावा दिल्ली और 15 बड़े ठिकाने हैं जहाँ पर ये आईटी की छापेमारी लगातार चल रही है। और इसमें दिल्ली के घर से इनके पास से जो है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की महंगी और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 16 करोड़ की रॉल्स रॉयस फैंटम और करीब 7 करोड़ की लैम्बोर्गिनी भी शामिल है। और जो जानकारी मिली है कि गाड़ियां जो हैं वो लंदन के कंपनी के ज़रिए परचेज की गई थी और किस तरीके से भारत लाई गई, इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक अन्य कंपनी के खिलाफ भी छापेमारी की ये कार्रवाई चल सकती है। सुनील के साथ कौशिक, न्यूज 24, दिल्ली। हरियाणा के इनेलो के दिग्गज नेता नफी सिंह राठी की हत्या के मामले में अब पुलिस को तलाश है 4 शूटर्स की, और ये चारों शूटर बताया जा रहा है कि कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से संबंधित हैं। दरअसल नफी सिंह राठी की हत्या के बाद से ही नंदू गैंग की एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें नंदू गैंग ने जो है वो नफी सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की और अब 4 शूटर्स का नाम सामने आया है, जिसमें जो अतुल और आशीष हैं वो दिल्ली के नांगलोई और नजफगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 अन्य शूटर हैं, जिनमें दीपक जो है वो नारनौल का हरियाणा का रहने वाला, और एक अन्य शूटर है जिसका भी नाम सामने है। और अब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि चारों शूटर जो हैं वो विदेश भागने की फिराक में है, लिहाजा अब जो है इनके लुकआउट सर्कुलर इशू किए गए हैं जिससे ये विदेश ना भाग पाए और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी संभव हो। कैमरा सुनील के साथ कौशिक, न्यूज 24, दिल्ली। बेमौसम बारिश के चलते मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे 21 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो बीती रात से भोपाल और आसपास के इलाके बात की जाए तो यहां पर बारिश देखने को मिली। कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर ओले भी गिरे हैं, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ है कि जो फसलें हैं किसानों की, गेहूं और चना, इन पर अब मुश्किल आ चुकी है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश हुई है वहां पर गेहूं की फसल खेत में खराब होने की आशंका यहां पर है, क्योंकि फसल जो है वो बिछ गई है यहां पर गेहूं की, और साथ में चनों को भी नुकसान होने की यहां पर आशंका है। यही वजह है कि अब तेजी से इस बात का भी मुआयना किया जाना लगा है कि आखिरकार फसलों का नुकसान कितना होगा, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी ये चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इन फसलों का भी ख्याल रखना है। जिन किसानों की फसलें कटकर खेत में रखी हैं या खुले में रखी, उनको सावधानी पूर्वक अंदर रखा जाए, लेकिन बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24, मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, हाईवे बंद होने से हजारों की तादाद में वाहन यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके हाईवे को क्लियर किया जाए, लेकिन लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जो बर्फबारी हो रही है, वो बेहद ज्यादा चुनौतियां पैदा कर रही हैं। ये आप देखिए कि हम इस समय पटनी टॉप में हैं, यहाँ पर बेहद ज्यादा बर्फबारी हुई है, और यहाँ पर आप देखिए कि प्रशासन की ओर से रास्ते से बर्फबारी हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार जितनी बर्फबारी को हटाया जाता है उसके बाद उससे ज्यादा बर्फबारी दोबारा हो जाती है, जिसके चलते जो है इस ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जितनी भी प्रशासन की टीमें हैं वो तमाम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके पूरी बर्फबारी को क्लियर किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, पटनी टॉप।